उठो ना, देखो कितना उजाला हो गया है। मैंने तुमको कितना सोना पहनाया है, तो मुझे सोने तो दो। क्या सोने दो, दिन निकल आया है ना, देखो सूरज कहाँ पहुंच गया। सूरज को पहुंचने दो जहाँ पहुंचा है, वो रास्ता थोड़ी भटकेगा। मत उठो, पड़े रहो। पड़े रहेंगे तभी तो दिन भर की पीड़ा के लिए तैयार होंगे। हे भगवान, ये क्या है? बेटा, तेरे घर में चूहे हैं क्या? हाँ हैं तो मम्मी, लेकिन बर्तन कैसे गिर गए? गुंडागर्दी तो नहीं करते थे अभी तक? अब करने लगे होंगे, ये चूहों का ही काम है। बहुत हो गया है, अब इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम करना पड़ेगा? अब क्या चूहों को भी अलग से कमरा देगी तू? अरे नहीं मम्मी। तो कैसा इंतजाम करना पड़ेगा? चूहे मारने वाली दवाई रखूंगी। किसको मारने की दवाई रखनी है? तुम पहले ब्रश बाहर करके आओ, ऐसे ही चले आते हो अंदर। ऐसे चले आते? तो क्या नहा धो के आऊं अंदर? जब देखो ऊंची आवाज में बोलना है, किस दिन मेरी हटी ना तो छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं तो क्या करोगे, हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? मैं हाथ तुम्हारे ऊपर क्यों उठाऊंगा, वो तो बस सर में तेल लगाने के लिए ऊपर उठता है। जाओ तुम ब्रश करके आओ पहले। अब बताओ तो क्या हुआ है। दामाद जी, पहले ब्रश कराइए ना। क्या करूं मम्मी इन चूहों के लिए, आप बताओ ना कुछ। मैं क्या बताऊं, अपने घर में तो चूहे थे ही नहीं, एक बिल्ली रहती थी ना अपने घर में। ये भी अच्छा आइडिया है, एक बिल्ली पाल ले तो। अब बताओ, अब तो ठीक है ना? चाय दूं? चाय बाद में, पहले बताओ किसको मारने के लिए दवाई रखनी है। पहले चाय दे देती हूँ ना, रुको। कभी नहीं, पहले मेरा डर दूर हो, पता चले किसको मारने के लिए दवाई रखनी है। अरे चूहा मारने की दवाई रखनी है। पागल हो, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो देखो ना, रात भर पूरे किचन के बर्तन बजाते हैं वो लोग, कैसे बिखरे पड़े हैं। लगता है स्पोर्ट्स खेलने वाले चूहे हैं। जो भी हो, इनका इलाज तो अब करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान करेंगे। मैं तो कहती हूँ दामाद जी, चूहे पकड़ने वाला पिंजड़ा ले आइए। हाँ ये आइडिया भी सही है, पिंजड़े में चूहे पाल लेंगे। अरे मेरे देवता, पालना नहीं है चूहे। पालना नहीं है पिंजड़ा किस लिए, पिंजड़े में ही तो पालते हैं ना तोता वोता। हाँ पर मेरी मम्मी का मतलब है, चूहों को पिंजड़े में पकड़ के घर से दूर जंगल में छोड़ आएंगे। जंगल में छोड़ आएंगे? बेचारे कॉलोनी में रहने वाले चूहे जंगल में कैसे रहेंगे। अरे दामाद जी, आप तो दिल के बहुत भोले निकले। यही बात अपनी बेटी को समझाइए ना, जो मेरा दिल निकालने में लगी रहती है। नहीं नेहा, दामाद जी तो सच में बहुत भोले हैं। मम्मी कितने दिन और रुकना है आपको यहाँ? वही 10-15 दिन बेटा। तो 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी भोला है या भुलक्कड़ है। एक काम करो, अब चाय दे दो। दे दो क्या, बनानी है अभी। ठीक है तो बना लो, मैं सुबह के समाचार देख लूं टीवी में, कल देश में क्या क्या हुआ। पहले घर में देख लो क्या हुआ है, फिर देश में देखना। बर्तन उठा के रखने हैं? हाँ थोड़ी मदद कर दो, मैं चाय बना लेती हूँ तब तक। ये चूहे पहले तो ऐसा नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे। लगता है मेरे आने से परेशान हो गए। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे भी 3-4 दिन हो गए हैं, अब चले जाना चाहिए मुझे। पहली बार आई हो मेरे घर, जाने जाने का मत करो। मम्मी जी नेहा सही कह रही है। मैं तो कहती हूँ 1-2 महीने रुक जाओ मेरे यहाँ। 1-2 महीने और क्या, घर में पापा रोटी बना ही लेते हैं, भाई भी है और एक भाई भी है काम करने को, क्या दिक्कत है। देखती हूँ, सही लगा तो रुक जाऊंगी 1-2 महीने भी। मुझे लग रहा है मैं अपने घर में घर जमाई बनने वाला हूँ। कुछ बोले हो? कुछ नहीं, वो बर्तन की आवाज आई होगी। रख दो जल्दी, फिर चाय पी लो, और इन चूहों को पकड़ने के लिए या तो पिंजड़ा ले आओ या चूहे मारने वाली दवाई ले आओ। चूहा मारने वाली दवाई तो नहीं आएगी इस घर में। क्यों नहीं आएगी,
चूहे मारने की दवाई से इतनी क्या दिक्कत है तुम्हें? क्योंकि इस घर में मैं भी तो एक चूहा हूँ।